और इस वक्त मैं जिथे खड़ा हाँ ये है जी फलौर, फलौर का बस स्टैंड। और फलौर का बस स्टैंड ते खड़ा हाँ जिस स्थान ते हाँ विश्व प्रसिद्ध ओम जय जगदीश हरे जिस आरती नू लिखिया और विश्व प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे के रचेता हिंदी च लिखा हुआ, रचेता हिंदी भाषा के पहले उपन्यासकार समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी बहुमुखी प्रतिभाशाली शख्सियत के मालक और हिंदू सनातन धर्म के प्रचारक पंडित शारदा राम फलौरी जी इस स्थान पर मैं खड़ा हाँ। और 30 सितंबर 1837 तो 24 जून 1981 इतने लिखा हुआ और निर्माण जोड़ा यदा आ और किया गया पंडित शारदा राम फलौरी चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा हुआ है। और आसी देख सकते हैं कि इन्नी महान शख्सियत जिन्हों की आरती लिखी हुई ओम जय जगदीश हरे तुसी सवेर तो सवेरे शाम हमेशा ही करते हो, यह उन्होंने इतने प्रतिभा लगी हुई है। पर देख सकते हैं कि आरती तो असी अपने मंदिरों के सवेरे शाम करते हैं पर इतने जो प्रतिभा लगी आ उसके उपर वो हालात देख सकते हैं कि बने हुए हैं। बेशक एक छतरनुमा उपर लगा दिता गया आ मंदिर तो असी डेली साफ करते हैं पूजा पाठ करते हैं पर जिन्होंने ये आरती लिखी आ उन्होंने इतने की हालत बनी हुई आ ये तुसी देख सकते हो। ये बस स्टैंड फ्लोर से मैं खड़ा बेशक इतने आ एक छोटी जी पार्क बनाने की कोशिश की आ झंडा भी इतने चढ़ाया होया आ पर जिस इन्ने महान लेखक और इत्थे जो हालात ने वो तुहाडे सामने ही ने हुण चलते हाँ। मैनू पता भी लगा कि पिंड इस शहर के अंदर उन्हां दा एक मंदिर भी आ ये भी मैनू पता लगा कि उन्हां दीआं हथ लिखतां जिहड़ियां सी वो चोरी हो गई। बाकी जानकारी तुसी अगे अगे वीडियो देखते रहो नवां शहर दुआबा यूट्यूब चैनल तो कश्मीर लाल कैंत गरचा दी ये विशेष रिपोर्ट। क्या होया बहु पक्की प्रतिभा के धनी पंडित शारदा राम फलौरी जी का जन्म 30 सितंबर 1837 को फलौर में हुआ। आपके पिता का नाम जय दयालु और माता का नाम विष्णु देवी था। 10 वर्ष तक पंडित जी ने पंजाबी हिंदी संस्कृत फारसी अंग्रेजी के साथ साथ ज्योतिष और संगीत का ज्ञान भी प्राप्त किया था। बाद में वह हिंदू धर्म प्रचारक एव जोशी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वह एक प्रभावशाली कथावाचक थे, श्रोताओं के मंत्रमुग्ध करने की कला वह जानते थे। इसी कारण उनको अंग्रेज सरकार ने सरकार के विरुद्ध प्रचार करने का दोष लगाकर शहर निकाला दे दिया था। पंजाब में धर्म परिवर्तन को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य पंडित जी ने किया। इनमें कपूरथला के राजा रणवीर सिंह की कहानी प्रसिद्ध है। पंडित जी की पत्नी का नाम बीबी मेहताब कौर था। पंडित जी ने फलौर और लाहौर पाकिस्तान में ज्ञान मंदिर का निर्माण किया। जीवन के उतार चढ़ाव देखते अंतर पंडित जी 24 जून 1881 को 43-44 वर्ष की अल्पायु में ही परमात्मा के चरणों में विराजमान हो गए। पंडित जी ने जहां विश्व प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की उसका गायन किया वही हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी एवं संस्कृत में अनेक पुस्तकों की रचना की। और ये भी पता चला कि उनकी जो हाथ लिखित पुस्तकें थी वो चोरी हो चुकी है। वो आगे चलकर हम आपको ये सभी बताएंगे। हिंदी पंडित शारदा राम जी की रचनाएं सत्य धर्म मुक्तावली शतोपदेश धर्म स्वाद भाग्यावती बीज मंत्र सत्यामृत प्रवाह पंडित जी की आत्मकथा पंजाबी जो लिखा सिखां दे राज दी विविधियां पंजाब बातचीत उर्दू धर्म कसौटी धर्म रक्षा उपदेश संग्रह उसूले मरहेव संस्कृत नित्य प्रार्थना
आत्म चिकित्सा जी इनकी जो हाथ लिखित पुस्तकें हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहे नमस्कार द्वाबा यूट्यूब चैनल। आगे जाकर इनकी जो पूरी हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताजो ये जो प्रतिभा है इनके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। नवांशहर दुआबा यूट्यूब चैनल वालों अज तुहानू दिखाया जा रहा है। तुसी रोज़ ही जिन्हां दी आरती गुनगुनाते हो सवेरे शाम ओम जय जगदीश हरे, इस आरती नू लिखण वाले कौन सन? असी इस वक्त उत्थे फ्लोर दे विच पहुँच चुके हैं। पासियां चौंक इस नू कहा जांदा और आ गेट बनया होया आ पंडित शरदा राम फलोरी गेट। और नवांशहर दुआबा यूट्यूब चैनल अज इन्हां दे बारे दे विच तुहानू जानकारी जो आ इत्थों मिलेगी वह देण जा रहा है। और असी हुण पहुँच चुके हैं पंडित शरदा राम जी फलोरी द्वारा स्थापित किया गया ओम हरि ज्ञान मंदिर स्त्री सभा फलोर। और इत्थे सन 1867 पुनर निर्माण जिहड़ा है इहदा 1996 विच कीता गया आ। और ओम जय जगदीश हरे ये आरती तुसी सवेरे शाम जरूर करते हो, पर अज तुहानू असी उत्थे लेके गए हैं जिन्हां ने ये आरती दे रचेता हैगे आ शरदा राम फलोरी। असी उत्थे खड़े हैगे आ और तुसी देख रहे हो नवांशहर दुआबा यूट्यूब चैनल दे उपर ये मंदिर। और ये मंदिर है और तुसी देख सकते हो कि ये बड़ा ही बहुत ही शानदार मंदिर जिहड़ा आ कि इत्थे बनया होया आ। और तुसी देख सकते हो शिवलिंग और इसी स्थान के उपर तुसी देख सकते हो दर्शन कर सकते हो शिव पार्वती गणपति गणेश जी दे। और इसे मंदिर दे विच तुसी देख सकते हो ये मंदिर तुहानू दिखाया जा रहा आ जिहदी तुसी सवेरे शाम जिन्हां दी आरती करते हो ओम जय जगदीश हरे। और इन्हां दे जो रचेता ने जिसने जिन्हां ने इन्हां नू लिखिया है फलोर दे विच शरदा राम फलोरी जी, इस वक्त मैं उस स्थान के उपर खड़ा हाँ और तुसी दर्शन कर रहे हो। और आ मंदिर तुसी देख सकते हो कि इत्थे वीर हनुमान जी रामचंद्र जी सीता जी और मंदिर जिहड़ा आ कि काफ़ी यह शानदार मंदिर आ। और बच्चे भी जो स्कूल नू भी जाते ने ते इत्थे पहला अपने मत्था टेकते ने ते उस तो बाद दे विच फिर जिहड़ा आ उस स्कूल दे विच भी जाते ने। इस मंदिर की मानता ही इन्नी ज़्यादा आ। और आ तुसी देख सकते हो कृष्ण भगवान जी और राधा जी, कृष्ण भगवान जी राधा जी और जोत जिहड़ी आ जगमग जगमग जिहड़ी आ जोत जिहड़ी हैगी आ वह इत्थे जग रही हैगी आ। तुहानू मंदिर कृष्ण जी और माता शेरां वाली जी और तुसी दर्शन कर रहे हो वीर बजरंग बली जी वीर हनुमान जी ये मंदिर तुहानू दिखा रहे हैगे आ जिन्हां दी तुसी आरती सवेरे शाम करते हो ओम जय जगदीश हरे। और इस आरती नूं जिन्हां ने लिखिया आ असी तुहानू उस स्थान दे उपर लैके आए हाँ। आ गणपति महाराज जी का तुसी देख सकते हो और ये मंदिर तुहानू पूरे मंदिर दे जिहड़े हैगे आ कि ये असी दर्शन जिहड़े आ ओह करा रहे हाँ। और साढ़े भी धन भाग ने जिन्हां दी तुसी आरती सवेरे शाम करते हो उस स्थान ते मैनू आण दा मौका मिलिया और तुहानू जिहड़ी हैगी आ कि उस स्थान दी जिहड़ी आ वीडियो सारी ही मैं दिखाण जा रहा हाँ। इस वीडियो नू वध तों वध शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, क्योंकि मैं ये गल चाहना हाँ कि पूरे वर्ल्ड दे विच ये आरती जिहड़ी आ जो भी इस धर्म दे नाल संबंधित ने जां होर ने वो सवेरे शाम करते ने। और मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मैं तुहानू उस स्थान के बारे भी जानकारी देवां और देश विदेश दे विच जिन्ने भी श्रद्धालु बैठे ने मैं उन्होंने भी बेनती करांगा कि एक बार जिहड़ा आ
कि इस मंदिर दे विच जरूर आओ और तुहानू पता लग सके कि जिन्हां दी आरती असी सवेरे शाम करदे आ कि उन्हां दा जिहड़ा स्थान आ ये भी तुहानू जिहड़ा आ कि ओह जरूर देखना चाहीदा आ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, इस आरती दे रचेता जिन्हां ने इस नूं लिखिया आ शरदा राम फलोरी जी। इस वक्त मैं उस मंदिर दे विच खड़ा होया आ जिहड़ा मंदिर भी जिहड़ा आ काफ़ी शानदार मंदिर आ, तो कोशिश करांगा कि होर जिहड़ी जानकारी आ मैं तुहाडे तक इन्हां दे संबंध दे विच पहुँचा सकां। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। हाँ जी, तुहाडा नाम की है जी? मेरा नाम अशोक कुमार, एक्स कौंसलर फलौर। एक केड़ा महला है जी? ये चंपासियां महला है। ठीक है जी, ये अपने फलौर दे विच पैंदा है। फलौर विच पैंदा है। और इस वक्त असी जिस स्थान दे उपर खड़े हैगे आ और जो जानकारी सानू मिली हैगी कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये शरदा राम फलौरी जी वालों आरती लिखी गई सी और असी जानना चाहते हाँ कि उन्होंने बारे दे विच तुसी साडे जिहड़े दर्शक ने उन्होंने दसो जी। मैं जिन्नी मेरे बचपन दे विच जिन्नी भी नॉलेज हैगी मैं उहदे मुताबक तुहानू यही दसना चाहना कि पंडित शरदा राम जी फलौरी इस मंदिर दे विच बैठ के उन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती अपना जाने के इत्थे लिखी गई, तो उन्होंने जाने के इत्थों ही स्थापना इस आरती की की गई। तो असं भी चाहते हैं कि उन्होंने ओम जय जगदीश हरे ऑल वर्ल्ड के मशहूर आ, तो इस मंदिर को थोड़ा जा हाईलाइट किया जाए। बिल्कुल जी, मैं थोड़ी इस गल पूरी तरह सहमत है जी। अजकल TRP लैण के लिए जितों ज़्यादा मिलती हैगी, पत्रकार भी बहुत सारा भाईचारा ऐसा है कि उधर नूं जांदा आ कि जिहड़ा छुपया होया इतिहास आ जिसनों आल वर्ल्ड दे विच असीं कह सकते हैं कि ओम जय जगदीश हरे आरती के बारे ये तो कहन की जरूरत नहीं, हर एक बच्चा बच्चा भी जिहड़ा आ कि जानता हैगा आ। और साडी भी हमेशा यही कोशिश रही हैगी कि असीं उन्हां इतिहासक जिहड़े स्थान ने उन्हां दे बारे विच दसीए। और मैं बाकी देश विदेश दे विच रहिंदे जिन्ने भी नवांशहर दुआबा यूट्यूब चैनल दे नाल संबंधित ने जा श्रद्धालु ने अपने इन्हां दे उन्होंने बेनती भी करांगा कि इस मंदिर दे एक बार जिहड़े आ वो आके दर्शन जरूर करन। और जिन्हां ने सानू एड्डी वड्डी देण दे दित्ती हैगी आ वर्ल्ड लैवल दे उपर और इस मंदिर नू जिहड़ा आ कि अग्गे तो अग्गे जिहड़ा आ कि मतलब इहदे विच वाधा करन दे लई जो सहयोग आ वह भी कर सकते आ, तो होर तुसीं की कहना चाहुंदे आ? देखो, मैं थोड़े नवांशहर दुआबा चैनल का धन्यवाद इस गल का करना जिहड़ा कि तुसीं इत्थे साडे मंदिर दे विच आ के इन्हां बारे जानकारी लैना चाहते हाँ, भी ये हाईलाइट करना चाहते हाँ। तो असी भी इस तरह जो कि इन्हां दे नाम ते ट्रस्ट बने आ जां संस्था बनिया आ वो अपना अपना बारों बार काम कर रहे हैं, भी उन्हां नूं भी यह चाहिए भी इस मंदिर दे विच आ के इस मंदिर बारे देखना चाहिए तो ये बारे काम करना चाहिए। तो असी भी जाने के यही भी जिन्ना सत्त होंदा असी देख रेख दे विच जाने के जो कर सकते हो कर रहे हैं, पब्लिक दे तौर ते असी कर रहे हैं, क्यों ये साडा जाने के बे फर्ज बनता है बे साडा बे धर्म आ। तो इस करके असी बे मैं एक्स कौंसलर होने के नाते मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बारे करना है। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। हाँ जी भैन जी, थोड़ा नाम की है जी? हाँ जी, मेरा नाम रेनू वाला खाती है जी, मैं फलौर दी वसनीक। ठीक है जी, मैं थोड़े तो यह जानना चाहना है कि श्री शरदा राम फलौरी जी ने आरती दे रचेता ने ओम जय जगदीश हरे, तुसी इस महल्ले दे विच भी रहिंदे हो, इत्थे की कोई दिन त्यौहार भी मनाए जाते हैं? हाँ जी, इत्थे दिन त्यौहार मनाए जाते हैं, जिवें हुण जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी का त्यौहार, पर यह कि सिर्फ महला के पद्धर से ही मनाया जाता, जिमें कि शरदा राम फलौरी जी पूरे वर्ल्ड फेमस आ उस लैवल पर नहीं मनाया जाता, पर असी कोशिश कर रहे हैं कि जे इस मंदिर में थोड़ी जी दे बारे लोगों ज़्यादा जानकारी मिले तो मंदिर ज़्यादा फेमस हो, इतने कोई भी दिन त्यौहार बहुत वधिया तरह का मनाया जा सकता है, जिमें गाह अपने 29 सितंबर में शरदा राम फलौरी जी का जन्म दिहाड़ा आ रहा, वह भी इतने इन्ना ज़्यादा नहीं मनाया जाता, लेडीज़ जिहड़ियां सभा वालियाँ सिर्फ वो बेचारियाँ अपने लैवल पर ही मनांदियाँ। अच्छा, इस सभा तो बाद मैं नाम देखा, नाम की है पूरा इतने का? शरदा राम फलौरी स्त्री ज्ञान सभा मंदिर। ज्ञान सभा मंदिर। तो मैं तो खुद ही दर्शकों को बेनती करांगा कि तुसी रोज़ ओम जय जगदीश हरे
आरती तो जरूर तुसी करते हो, पर जिन्हां ने इन्हां नूं लिखिया हैगा कि एक बार अगर इस स्थान के उपर तुसी सीस झुकांदे हो तो उहदा फल कुछ अलग ही हुंदा। बिल्कुल जी, साडी सारिआं दी भी यही कोशिश है कि ये मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो, इस मंदिर का नाम पूरी दुनिया के। सुनो मैं तो ये जी सी कि इन्होंने एक आरती लिखी हैगी कुछ होर भी लिखा? इन्होंने बुक्स बहुत सी पर इतों कोई चक्के लै गया। अच्छा, किताबा कोई चक्के लै गया? किताबा कोई चक्के लै गया। वो जी उन्होंने मिसिज की फोटो भी है ना। अच्छा, नाम की लिखा माता महताब। ठीक है जी, धन भाग जी मेरे खोते है गया कि बहाने दे नाल उना दे दर्शन करने इथे। इस एदा भी किसे नूं नहीं सी पता। अच्छा, इना दी इस फोटो दा भी एदा फोटो पप्पी मां नूं पट्टियां करवानी। हां, ए ना ए इन्ना क पेज सीगा छोटा जिहा, इस पेज ते ए ओरिजिनल फोटो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। ये तो मेरे धन्यवाद, मेरे धन्यवाद है। मेरी खुशकिस्मती हैगी कि मैनू जिहड़ा है कि दर्शन करन दा मौका। अच्छा, हुण इत्थे देख रेख तुसी करदे आ? हां जी, देख मेरे मगर इहदा करदे सी ते उहनां दे दोने चूड़े टुट गए, तां मैनू हुण करना पैंदा। नहीं नहीं, सगो तुसी धन्यवाद आ, तुसी मालक दा हुक्म होया तुहानू। नहीं तो ये सेवा तो आम बंदियां दे हथ नहीं आंदी हैगी, ये तो किसे किसे दे, देखो जी सेवा किसे किसे दे हथ आंदी ना। हुण तुसी देखो, मेरी उम्र अपनी भी हैगी आ, मैनू किन्ने साल इत्थों लंघदे नूं हो गए आ, लेकिन 20 साल पहला मैं इत्थे दी जानकारी ली सी, मैनू अज हुक्म होया वी तू उत्थे चल। उन्हां दी इत्थे ही गद्दी हुंदी सीगी जी, इत्थे ही उन्हां ने बैठ के जण के ओह लिखदे हुंदे सीगे। अच्छा, इह पहली जण के जगह जण के उन्हां दी इत्थे बैठ के उन्हां ने लिखणे इस मंदिर दा। आ तुसीं देख सकदे हो कि उन्हां दीआं जो खड़ावां ने और जदों भजन बंदगी दे उपर बैठदे सन उस वेले दा जिहड़ा जिहनूं कहदे आसन कह सकदे आ, उस समें च पुराने समें च आसन ही वैसे कहिंदे हुंदे सी। और तुसी जिहड़ा आ कि वह दर्शन कर सकते हो, और इत्थे जो स्थानक वासी ने इत्थे भजन मन बंदगी भी करते ने, अपने कीर्तन वगैरह भी करते ने। तो सो मैं सारे ही जो जिथे जिथे तक भी वीडियो जाती है, मैं उन्होंने बेनती करांगा कि तुसी इस स्थान के उपर एक बार आके दर्शन जरूर करो। और दूसरे नंबर के उपर जिन्होंने थानू एड्डी वड्डी देण दित्ती हैगी इस मंदिर के बारे दे विच भी जिहड़ा आ कि कोई ना कोई संयोग करके जिहड़ा आ इस मंदिर नूं जिहड़ा आ उह अगे लिआंदा जावे। नवां शहर दुआबा यूट्यूब चैनल दे उपर कैंत कश्मीर लाल कैंत गरचा दी विशेष रिपोर्ट। बस बुड्ढी, तुहाडा नाम की आ? पलक है जी। मैनूं पता लगा कि तुहाडे फादर साहब ने जिहड़ा आ जिस स्थान ते असीं शरदा राम पलोरी दे स्थान ते खड़े आ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਐਕਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ? ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ। ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟ। ਓ ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਐਮ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਵੀ
थोड़ी जी देखो तुसी ते तुहाडा ते कुछ जिहनूं कहिंदे रुतबा भी हैगा आ, कोशिश करो कि तुसी अपने रुतबा तो चलो उस मालिक दे नाम जपण दे नाल ही चलो बनदा, साडा फर्ज बनदा सी असी उहनां दे यानी कि स्थान दे थोड़ी जी बाहर गेट बनवा के वे उन्हां दे बारे हाईलाइट तुसी रास्ता दिखा रहे हो, रास्ता दिखाते उन्हां दी स्थान नूं जाण दी दिशा इधरले पासे आ, ते इस करके असीं तां पब्लिक नूं कहिंदे भी थोड़ा जिहा तुसीं इहदे बारे। देखो जी मैं सीधी तौर ते कहिंदा कि जदों तक धन माया जिहड़े भी हैगे श्रद्धालु ओह अपना दसवंध कढ के इत्थे सलाना मेले ते जां इस मंदर दे संबंध दे विच नहीं दिंदे तद तक जिहड़ा आ कि वह अगे वधना जिहड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाए। यही तो सब तो वड्डी गल है कि संस्था हरेक जन के बन जाती है, पंडित शरदा राम ट्रस्ट बन गया, फलाना बन गया, शहर के कई तरह के जन के पंडित जी के नाम संस्था बन जाती है, जबकि जब पैसे की गल आती है तो पिछे हो जाते गल यही है कलैक्शन भी करते हैं, पर जिस तरह के कह लीए भी पंडित शारदा राम जी का चौंक भी नवें शहर अड्डे के बनया है। नवें शहर भी बने? हाँ जी नवें शहर अड्डे के पंडित शारदा राम जी का चौंक बनाया गया। अच्छा अच्छा। तो वह भी यानी कि उत्थे चौंक के कोल ही हमन वगैरह करते हैं, जबकि चाहिए कि उन्होंने स्थान पर भी हमन वगैरह किया जाए, जो भी झंडा वगैरह आ इतने भी चढ़ाया जाए तो उत्थे भी चढ़ाया जाए, यानी कि कहने का मतलब ये है भी तुसी संस्था के मैंबर बनते हैं जां पंडित जी के नाम से संस्था बनाने तो इस मुद्दे नू उस हिसाब नाल रख्या जाए, ये ना किया जाए भी शहर के पंडित शारदा राम जी का स्थान किते आ ते पंडित शारदा राम जी के दिन किते मनाए चौंक ते ही झंडा चढ़ाया जाए। ठीक है जी, शुक्रिया। कटे हुए सिलां दा जबरदस्त इलाज, एक पुड़ी खाओ 5 घंटे दे विच तुसी देखोगे जबरदस्त असर। मोबाइल 9863-79499 फीस शर्दा अनुसार देख के इलाज कराओ। औरत मर्द गुप्त रोगों के माहर खानदानी वैद्य देश विदेश में मशहूर कश्मीरी लाल कैंथ, संपर्क 9863-79499 9863-79499 ते फोन करके ऑनलाइन दवाई मंगवाओ। नवा शहर दुबाबा यूट्यूब चैनल, संपर्क 9863-79499।